आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो कूलर्स हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उनको असल में डेजर्ट कूलर्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों उनको डेजर्ट कूलर्स कहा जाता है? हम लोग का घर कोई डेजर्ट में थोड़ी ना है, या फिर हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं। आपने भी कभी ऐसे जरूर सोचा होगा क्यों उनका नाम डेजर्ट कूलर्स रखा गया। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग जाने कि इनका नाम डेजर्ट कूलर्स क्यों रखा गया है, तो थोड़ा इसके वर्किंग के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये कूलर्स काम कैसे करते हैं, क्या है इसके पीछे का प्रिंसिपल। डेजर्ट कूलर्स एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसको कहा जाता है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग उस फिनोमेना को कहा जाता है जब पानी अपने आसपास की गर्मी को एब्जॉर्ब करके उसको इवेपोरेट कर देता है, आसपास की हवा को ठंडा कर देता है। आप इस इवेपोरेटिव कूलिंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप बहुत गर्मी में चल रहे कहीं पर और आपके शरीर में पूरे पसीना हो रहा है, और कुछ देर बाद जब वो इवेपोरेट होने लगता है तो आपको लगता है कि मुझे ठंड लग रही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कहीं जिम से आकर पंखे के सामने खड़े हो जाए, जो आपके शरीर पर पसीना है पंखा उसको इवेपोरेट करके आपके शरीर को ठंडा कर देगा। ये होता है इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि डेजर्ट कूलर्स कैसे काम करते हैं इस फिनोमेना के ऊपर। इससे पहले हम लोग जाने कि कूलर्स कैसे काम करते हैं, थोड़ा कूलर्स के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहला वाटर टैंक जिसमें पानी भरा जाता है, दूसरा हो गया आपका कूलिंग पैड्स जो आप कूलर के आसपास घास लगाते हैं, तीसरा हो गया आपका वाटर पंप पानी को ऊपर ले जाता है और घास के ऊपर पानी छिड़क देता है, चौथा हो गया आपका फैन जो कि आपको ठंडी हवा देता है, पांचवा हो गया आपका एयर वेंट्स, मतलब कि आप घास के पीछे देखे होंगे कि छेद रहते हैं जहां से हवा अंदर आ सकता है। ये पांच चीज होते हैं कूलर्स में जैसे कूलर आपका काम करता है। अब जानते हैं कि कूलर काम कैसे करता है। जो कूलर होते हैं वो आपका चार स्टेप में काम करता है। सबसे पहला वाटर एब्जॉर्प्शन, पंप आपके टैंक में लगा रहता है, उससे पानी जाकर आस पास जितनी भी घास है उसको गीला कर देता है। दूसरा स्टेप है एयर इनटेक, फिर हवा को अंदर लेना, आपके घास के पीछे पानी की जगह जो रहती है वहां से हवा को खींचता है। नंबर थ्री, ये सबसे मेन स्टेप है, इवेपोरेशन एंड कूलिंग। जैसे ही आपका गर्म हवा उस गीले हुए घास से गुजरता है वो उस पानी को इवेपोरेट कर देता है और ठंडा हवा वहां से निकलता है। नंबर फोर, कूल्ड एयर आउटपुट, जो पंखा है वही ठंडी हवा आप तक पहुंचाता है। चीज को आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक रुमाल को गीला करके एक पंखे के सामने रख दिया और आप उसके सामने खड़े हो जाइए, ने महसूस किया होगा जैसे वो हवा उस गीले रुमाल से पार होता है तो आपको ठंडी हवा लगता है। इसी पर भी सब कूलर्स भी काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल में। ये हो गया कि कूलर्स काम कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि इनका नाम डेजर्ट कूलर्स ही क्यों पड़ा है, इसलिए क्योंकि ये सब कूलर्स डेजर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कि वहाँ पर लो ह्यूमिडिटी रहता है, और दूसरा वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। आइए इन दोनों रीजन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला लो ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो हवा डेजर्ट्स में चलते हैं वो सूखा हवा चलता है, उसमें पानी का लेवल ज्यादा नहीं रहता। जो आपका इवेपोरेटिव कूलिंग है वो इसी के ऊपर काम करता है। तो हवा जितना सूखा रहेगा उतना ही ज्यादा एबिलिटी रहेगा पानी सोखने का, और उतना ही ठंडा हवा आप तक पहुंचा सकता है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास दो स्पॉन्ज है, एक सूखा और एक गीला। जो आपका सूखा स्पॉन्ज होता है उसमें पानी सोखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो गीला वाला होता है उसमें कम होती है। इसी तरह ड्राई एयर भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर अपने अंदर रख सकता है। अब दूसरे पर आते हैं हाई टेम्परेचर। अक्सर रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। डेजर्ट कूलर्स इसीलिए डेजर्ट में इतनी आसानी से काम कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतने ज्यादा होता है, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस कभी हो ही नहीं पाएगा। चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी गर्म दिन में स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं तो बाहर निकलकर एक पंखे के सामने खड़े हो जाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ठंडा लग रहा है, कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो रहा है वहाँ पर। ये तो बात हो गई कि डेजर्ट कूलर डेजर्ट में क्यों इस्तेमाल होते हैं। तो बात है इसके ठीक एक उल्टे एग्जाम्पल में, अगर डेजर्ट कूलर को बरसात के दिनों में इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। सबसे पहली बात, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ही ज्यादा रहते हैं, इससे जो आसपास की हवा रहता है उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर रहता है, की वजह से
कूलिंग पैड लगे होते कूलर में, जब हवा उनसे गुजरती है वो हवा ज्यादा पानी सोख नहीं पाएगा, इसकी वजह से कूलर बाहर हवा सेक रहा है वो ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि बरसात के दिनों में जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसकी वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से जो कूलर बाहर हवा फेंक रहा है वो ज्यादा ठंडा नहीं फेंकेगा, बाहर का टेम्परेचर के बराबर ही हवा फेंकेगा वो। इस वीडियो से हम लोग को ये समझ में आया कि डेजर्ट कूलर्स डेजर्ट में तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में बरसात के दिनों में वो इसलिए काम नहीं कर पाते, इसके पीछे दो मेन रीजन है, हाई ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर। इसकी वजह से जो इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल है कि पर कूलर्स काम करते हैं वो ठीक से फॉलो नहीं हो पाता है, की वजह से कूलर ठंडा नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा हमारे घर में कूलर्स यूज होते हैं उनको डेजर्ट कूलर्स ही क्यों कहा जाता है और बरसात के दिनों में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।